आपका मेरे चैनल गैजेट सरी नाम है। तो आज हम बात करेंगे होनर के V30 प्रो और होनर 20 प्रो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। होनर V30 प्रो में आपको 6.57 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि पंचुअल डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ बात करें होनर 20 प्रो के बारे में, तो इसमें आपको 6.26 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें भी आपको पंचुअल डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसके फ्रंट और बैक में आपको कॉर्निंग ग्रिल्ला का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। और इसके फ्रेम की बात करें तो इसमें आपको एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, V30 प्रो की बात करें तो इसमें आपको ही सिलिकन किरण का 990 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और इसके ग्राफिक या GPU की बात करें तो इसमें आपको मालिका G76MP 16 का GPU देखने को मिल जाएगा। और दूसरी तरफ बात करें होनर 20 प्रो की, तो इसमें आपको ही सिलिकन का किरण 980 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और इसके GPU की बात करें तो इसमें आपको मालिका G76MP 10 का GPU देखने को मिलता है। स्मार्टफोन के कैमरे की ओर देखा जाए तो V30 प्रो में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलता है, और दूसरी तरफ होनर 20 प्रो में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा। V30 प्रो की बात करें तो इसमें आपको 40 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस प्लस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ बात करें V30 प्रो की, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो प्लस 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलता है। और दोनों ही स्मार्टफोन की फ्रंट कैमरा की बात करें तो V30 प्रो में आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है, 32 मेगापिक्सल का वाइड प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और दूसरी तरफ बात करें होनर 20 प्रो की, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा ही देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन की बैटरी और प्राइस के बारे में बात की जाए तो V30 प्रो में आपको 4100mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 40W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि 27W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो यह फ़ोन आपको 39 से 40 हज़ार की रेंज तक मिलने वाला है। और दूसरी तरफ बात करें होनर 20 प्रो की, तो इसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 22.5W चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यह फ़ोन आपको 25 से 26 हज़ार की रेंज तक मिलने वाला है।